हाय, आई मनीषा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो बात करेंगे अनुपमा की, जिसमें हमने देखा कि पाखी और तोशु को बहुत इशू हो रहे हैं आशा भवन में। पहले तो वो आना नहीं चाहते थे, फिर वो वहां आ गए हैं। अब उन्हें सोने में इशू है, खाने पीने का इशू है। तो जब इतने सारे इशू हैं, तो अनुपमा ने सोचा कि क्यों ना इन्हें इधर से थक के देके ही निकाल दिया जाए, ताकि उन्हें पता चले कि जब कोई चीज आपके पास है तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए। और जिस तरह से वो दबोच के दोनों को बाहर करके दरवाजा बंद करती है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतने नखरे नहीं होने चाहिए। जब आपको पता है कि आप कुछ करने के लायक नहीं हो और आज शायद आप ही की वजह से वो यहाँ है, तो देखते हैं क्या होता है। एनीवेज, इस पे बात करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से अनुपमा ने दबोचा है दोनों को गर्दन से और ले जाके पटका है। भाई तुम्हारे नखरे हैं बहुत, तो तुम इससे भी जाओ, तो क्या बोलोगे आप? शी शुड हैव डन दिस लॉन्ग टाइम अगो। फर्स्टली बगर चलो देर आए दुरुस्त आए, आया तो आया तो चलो अच्छी बात है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये लोग अपने मुंह में चांदी की चम्मच से पैदा हुए थे क्या, कि हर चीज में इनको प्रॉब्लम है। ये जो पैसा है, जो रुतबा है, या जो रॉब ये लोग झाड़ रहे हैं, ये तो अभी अभी आया है ना। अदरवाइज दे वेर अ वेरी एवरेज फैमिली। ऐसा तो नहीं था कि कहीं के राजा रानी थे। तो जिस तरीके से वो कंप्लेन कर रहे होते हैं, आई एब्सोल्यूटली लव्ड द वे अनुपमा रिएक्टेड। चाहे दोनों को गर्दन को इस तरीके से पकड़ के, जिस तरीके से ऐसे खींच के लेके गए, और एकदम से, मतलब इट्स नॉट कि दरवाजे के पास आके ऐसे जाने के लिए कह दिया, मतलब लिटरली शी पुश्ड देम आउट एंड दे, यस शी पुश्ड देम आउट एंड दे फेल। एंड देन उन्होंने अपना एक लेक्चर भी दिया वहां पे कि द ओनली थिंग दैट कीप्स अ पर्सन फ्रॉम फेसिंग द क्रुएल्टीज ऑफ नेचर, चाहे वो बारिश हो, धूप हो, सर्दी हो, इज द छत। आपके सर, आपके ऊपर एक छत है, आप एक घर में हो, तो आप ये सारी चीजों से प्रोटेक्टेड रहते हो। और जब आपको उसकी वैल्यू नहीं है, तो देर इज नो पॉइंट इन स्टेइंग हियर, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट करके उन्होंने जिस अंदाज से उन्होंने बाहर निकाला है, कूडोस। मुझे कुछ खास उम्मीद नहीं है दोनों से। दे नेवर लर्न एनीथिंग, बिकॉज यूजली खुद के एक्सपीरियंस से लोग सीखते हैं, और इनके पास है, लाइफ हैज नॉट बीन दैट काइंड टू देम। चाहे वो तोशु हो या पाकी हो, उनको अपना शेयर ऑफ हार्डशिप्स फेस करना पड़ा है लाइफ में, मगर फिर भी उन्होंने उनसे नहीं सीखा है। मुझे नहीं लगता अभी भी सीखेंगे। मुझे बहुत मजा आया देखने में, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग व्हाट इज हैपनिंग नेक्स्ट। तो लेट्स सी क्या होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, देखते हैं क्या होने वाला है। और वाकई आपने सही बोला कि इनको ये बहुत पहले अनुपमा को इनके साथ करना चाहिए था, तो आज शायद ये इतनी अकड़ में ना होते। पर ठीक है, जैसे हम कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, तो लेट्स सी क्या होता है। और अगर आपको हमारा ये छोटा सा डिस्कशन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और देखते रहें अनुपमा ऑन स्टार प्लस। टेक केयर, बाय बाय। हाय, दिस इज आयुषी खुराना एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन ग्लिट्स विजन यूएसए।